आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। कई महीनों से धरने पर बैठकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आंगनबाड़ी का शोषण करना बंद करो, बंद करो। 5500 में जो उच्च अधिकारी अपना घर चला के दिखाए, वो इतना खर्चा एक दिन में कर देते हैं जितना हम 5500 में पूरा महीने भर का अपना करते हैं। वैसे तो सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाओ, इतने 5500 रुपए में हम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे कैसे भी। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आंगनवाड़ी बहनों के इस पसंदीदा चैनल ICRS न्यूज की इस खास वीडियो में। आज की यह वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बेहद खास होने वाली है, तो पूरी वीडियो को जरूर देख के जाना। इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा एक अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन की एक वीडियो दिखाएंगे। इसके अलावा कई और छोटी छोटी महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप देश के कई राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें देख पाएंगे। तो सभी बहनें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपके लाइक को हम आपका आशीर्वाद समझते हैं। आप अपने छोटे भाई को आशीर्वाद के रूप में वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अनोखे तरीके से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की यह वीडियो देखिए, जिसमें आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन के दौरान धरना प्रदर्शन न करके, नारेबाजी न करके, बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक हवन किया जा रहा है, जिसमें क्या बातें कही जा रही आप खुद देखिए और खुद सुनिए। ग्रेटर नोएडा में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। इन्होंने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया है और सूरजपुर स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें कम सैलरी दी जा रही है। 5500 में जो उच्च अधिकारी अपना घर चला के दिखाए, वो इतना खर्चा एक दिन में कर देते हैं जितना हम 5500 में पूरा महीने भर का अपना करते हैं। वैसे तो सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाओ, इतने 5500 रुपए में हम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे कैसे विकास कर पाएंगे। हमसे सरकार सारे काम लेती है, जैसे कि कोरोना हुआ, पोलियो है, BLO है, इनका हमें कोई सम्मानजनक कोई भी मानदेय नहीं मिलता है। 5500 रुपए में हम अपने आप को बहुत हीन महसूस करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ही नोएडा से भी आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन की कुछ खबर आ रही है। ये खबर हमारे पास भाई शिवम शर्मा जी कानपुर से हैं, उन्होंने हमारे पास भेजी है। तो आइए इस खबर को भी देखते हैं। इसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और किन किन बातों को लेकर ये सारी चीजें की जा रही है। सभी बहनें जोर से बोलेंगी, ये आवाज हमारी योगी जी तक जानी चाहिए। संसद भवन में कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। उस चर्चा की एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप लोग देखिए, उसके बाद इस चर्चा के बारे में और भी ज्यादा आपको डिटेल से बताते हैं। पीड़ा को सदन के समक्ष स्पेशल मेंशन के जरिए मुझे उठाने का मौका दिया। महोदय, सरकार के साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रेरक शिक्षक कई महीनों से धरने पर बैठकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में ऐसे लगभग 5 लाख तथा अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख प्रेरक शिक्षक थे जो ग्राम पंचायत स्तर पे प्रेरक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, किंतु 31 मार्च 2018 से इन प्रेरक शिक्षकों की नौकरी पर रोक लगा दी गई थी। आज ये प्रेरक अपने परिवार सहित
गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ये प्रेरक शिक्षक 15 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर करने का कार्य करने के अलावा BLO, NPR, जनगणना, पल्स पोलियो व स्वच्छता अभियान में भी कुशलतापूर्वक सेवाएं देते हैं। एक ओर नौकरी की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी और कोरोना की महामारी के प्रकोप ने लाखों प्रेरक शिक्षकों एवं उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण का भी खतरा पैदा कर दिया है। महोदय, इस संवेदनशील समय में इनकी मांगें बिल्कुल जायज हैं कि इन्हें नौकरी और बाकी मानदेय जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। धन्यवाद महोदय। अभी आपने जिनको बोलते हुए सुना वो कोई और नहीं है, संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी ने बहुत ही प्रमुखता के साथ प्रेरक शिक्षकों की बात संसद भवन में उठाई है। उन पे काफी गहराई से कई बातों को उन्होंने बताया भी है। हालांकि इसके पहले उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर भी संसद भवन में चर्चा की है। तो जो जो बातें उन्होंने प्रेरक शिक्षकों को लेकर कही है वो सारी चीजें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी लागू होती है। तो संसद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर और भी लोगों को चर्चा करनी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको हमारी बहनें, जिनको हमारी जनता चुन के भेजती है, उन सभी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो भी छोटे कर्मचारी हैं जिनको तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, उनको लेकर संसद भवन में चर्चा करनी चाहिए। आपको बता दें, इस वक्त चुनाव नजदीक आ रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेरक शिक्षक वो भी आंदोलन पे हैं, शिक्षा मित्र आंदोलन पे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रही हैं, इसके अलावा आशा कार्यकर्ताएं भी नाराज हैं। यानी कि कोई भी कर्मचारी, जो छोटे कद का कर्मचारी है जिनको मानदेय दिया जाता है, उनमें से कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। लेकिन आप लोग समझ के देखिए, अगर आप लोग एक हो जाएं, जो भी कर्मचारी संगठन है, अगर सब लोग मिलकर एक हो जाएंगे तो सरकार को आप लोगों के सामने झुकना ही पड़ेगा।